हाँ जी। तो दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे सुपर हिट सॉन्ग दबादब मस्त कलंदर। ओके, तो एक बात उससे पहले एक ध्यान दीजिए गाने सीखने से पहले, कि अगर आपको इस गाने की पियानो नोट्स या फिर बाद में इस गाने की मिडी फाइल या फिर बाद में मैंने जो अभी बैकग्राउंड में प्ले की थी उसमें बैकग्राउंड जो रिदम प्ले हो रही थी वो अगर आपको पूरी की पूरी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी तीनों की, आप वहाँ से उसको ले सकते हो। ठीक है, तो लेने की प्रोसेस सिंपल सी है। यहाँ से जैसे ही आप वहाँ पे उस लिंक पे क्लिक करोगे तो फिर बाद में आपको यहाँ पे इस तरीके का, अगर आप वहाँ से बाई करो तो एकदम नॉर्मल रेट के ऊपर सभी के सभी है, जिससे आप हमारे चैनल को भी एक तरीके से सपोर्ट कर सकते हो और अपने मतलब जरूरत भी पूरी कर सकते हो, नोट्स मीडी या फिर बाद में ट्रैक द्वारा। तो यहाँ से आप वहाँ पे नाम अपना एंटर करो या अपना ईमेल आईडी दो या अपना फ़ोन नंबर दो, ये सब चीज़ें आपको एक रिसिप्ट तैयार करके देगी, आपको एक मतलब जो आप प्रोसेस करके बाय करोगे तो आपको वहाँ पे एक ऐसा बिल जैसा बना के देंगे। तो ये मतलब खाली उतनी प्रोसेस है, फिर जैसे ही आप ये डन करते हो, हाँ तो जैसे ही अगर आप ये डन करते हो तो फिर बाद में आपको यहाँ से कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ से आसानी से तीनों की तीनों चीज़ें या एक एक करके जो आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप उसको ले सकते हो, और उसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हो। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर ना ले पाओ तो फिर बाद में ट्यूटोरियल एंजॉय करते रहो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब सीखते हैं, जैसे कि हमने कहा था दमादम मस्त कलंदर काफ़ी बढ़िया सॉन्ग, नोट्स आप नीचे अवेलेबल है वहाँ से जाके आप ले सकते हो। ठीक है, तो जो गाने की शुरुआत होती है उसमें हम प्ले करेंगे हारमोनियम, हारमोनियम ट्यून को हम लेंगे इस गाने को प्ले करने में और सीखने में। तो गाना काफ़ी ही ज़्यादा हिट है और काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो जैसे इस गाने की शुरुआत होती है एकदम कुछ ही फिक्स सुर है, उन्हीं के ऊपर फिक्स ही की है, उन्हीं के ऊपर ये गाना प्ले होगा। तो जो इसकी हम पहला मुखड़ा सीखेंगे फिर इसका अंतरा सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो जो पहली लाइन है वो किस तरह, ये इसका मुखड़ा पार्ट हो गया, और बाद में इसका अंतरा है वो भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है, खाली दो लाइन इसके अलग है, बाद में वापस सेम पहले वाले में मिल जाती है। तो हम पार्ट बाय पार्ट सीखेंगे, जिसमें जो पहली लाइन है गाने की जैसे आप देख सकते हो, तो किस तरह, ओके पहले इतना सीखेंगे। तो इसमें आप जैसे देख सकते हो 1 2 3 4 5, सिर्फ और सिर्फ इसमें पांच ही सुरों का यूज हुआ है, 1 2 3 4 5। तो किस तरह, स्टेप बाय स्टेप पहला भाग, ओके किस तरह, स्लो में फिर कैसे, फिर थर्ड कैसे, 1 2 3 4, एक बार पूरा फिर से, फिर क्लियर, यहां तक हो गया तो आगे बढ़िए, नहीं वापस आप इसको पीछे करके सही से प्रैक्टिस कीजिए। तो आगे फिर किस तरह, ये इसमें जो पहली धुन है पहला म्यूजिक है वो सेम रहेगा, फिर बाद में ये रिपीट होगा, फिर किस तरह, 1 2 3 4, चार ही सुर है, ओके 1 2 3 4, फिर सेम रिपीट यहां तक, फिर बाद में यहां पे आके रुक जाना है, फिर बाद में पीछे की तरफ चल जाए। मैं आपको पार्ट बाय पार्ट करके इसलिए बता रहा हूँ कि जो स्टार्टिंग में जो एकदम बिगनर है, जो एकदम शुरू में सीख ही रहे हैं, वो भी इस वीडियो के थ्रू आसानी से सीख सके अपने मोबाइल पियानो के ऊपर, हारमोनियम के ऊपर, या बाद में डिजिटल इस तरीके के कीबोर्ड के ऊपर। ओके, क्लियर, फिर इसको स्लो में देखेंगे, पहला पार्ट, फिर 1 2 3 4, चार ही सुरों का यूज हुआ है, जिसमें जैसे देख सकते हो पहले में ये तीन सुर, अगले में ये तीन, फिर 1 2 3, स ग प तीनों का एक कोड प्ले होगा, दमादम मस्त कलंदर वाली लाइन 1 2 3 इन तीन सुरों के ऊपर प्ले होगी,
किस तरह? फिर साथ में प्ले करेंगे तो स्लो में प्रैक्टिस कीजिए, फिर बाद में ऑटोमेटिक, फिर बाद में आपका जो पकड़ है वो तेज हो जाएगी और आप खुद से मतलब परफेक्ट स्पीड के साथ, ओरिजिनल स्पीड के साथ आप प्रैक्टिस कर सकोगे, ठीक है? तो किस तरह, एक बार फिर से पूरे को एक बार वन फिंगर से देख लेते हैं। फिर कहीं भी थोड़ा कंफ्यूजन हो तो वीडियो को पॉज कीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए और फिर बाद में वापस प्ले करके आगे की तरफ देखिए, जिससे मतलब कहीं पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है? क्लियर क्लियर आप इस गाने को स्टेप बाय स्टेप सीखते रहोगे। तो ये हो गया इसका स्टार्टिंग का मुखड़ा पार्ट। अगर आपने यहां तक सीख गए तो आपको बहुत बहुत बधाई। अब बढ़ते हैं इसके अंतरे की तरफ। अंतरा में ज्यादा ज्यादा खास कुछ नहीं है, काफी ज्यादा सुनने में बढ़िया लेकिन प्ले करने में उतना ही ज्यादा आसान, ठीक है? तो पहले अब अंतरे को सीखते हैं, ओके? हाँ, तो जो इसका अंतरा है वो किस तरह, ओके? अंतरे के पहले अगर आपको कोई म्यूजिक प्ले करना है तो आप इन्हीं सुरों के ऊपर किसी भी म्यूजिक को बिठा सकते हो, जो भी आपके दिमाग में है, जैसा भी आपको अनुभव हो उस हिसाब से आप किसी भी टाइप के इसके म्यूजिक को बिठा सकते हो, बट वो ताल में आना चाहिए, ठीक है? वही बात है। तो इसका अंतरा किस तरह, सभी के सभी अंतरे इस तरीके से प्ले होगी। कव्वाली बहुत ही शानदार है, तो कव्वाली में कई सारे अंतरे होते हैं, तो सभी अंतरे आप इन्हीं सुरों के ऊपर प्ले कर सकते हो। तो किस तरह, फिर पहला पार्ट, फिर क्लियर। और इसके बाद में जो हमने मुखड़े की जो लास्ट लाइन सीखी थी वही सेम रिपीट होगी, क्लियर? यही ये जो पूरा गाना था इस तरीके से पूरा प्ले होता है। और इसका अंतरावाद में जैसे मैंने आपको बताया, आप आगे सेम मुखड़ा सेम अंतरा इस तरीके से ले सकते हो और अपनी बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हो कहीं पे भी, क्योंकि ये जो गाना है वो लगभग सभी का सुना है और सभी का पसंदीदा है, इसलिए आप इस गाने को जरूर से जरूर सीखिएगा और फिर बाद में अपने पियानो के ऊपर इसकी परफॉर्मेंस किसी के सामने दीजिएगा, काफी ज्यादा बंदा खुश हो जाएगा और आप पर्सनली खुद इस गाने को प्ले करके खुश होने वाले हो। तो अगर आपने गाना सीख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए पहले, और आपको बहुत बहुत अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने गाना आसानी से आप प्ले कर सके। और आपसे ज़्यादा खुश मैं रहता हूँ कि अगर आप मेरे वीडियोस के द्वारा कुछ भी सीखते हैं, अगर आपको आधा पर्दा भी सीखा तो भी बहुत है, और वीडियो को एक दो बार देखिए, आराम से पूरा गाने को भी आप आसानी से प्ले कर सकोगे, ठीक है? तो बस मिलता हूँ आपसे इस तरीके की एक और नई वीडियो में। अपना बड़े बड़े विचार मेरे को कमेंट करना ना भूले, और आपके कमेंट का मैं जरूर से जरूर रिप्लाई दूंगा और पढ़ूंगा कि आपके विचार किस तरह हैं मेरे वीडियो के प्रति और आपको आगे और किस तरीके की वीडियो चाहिए, ठीक है? तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे इस तरीके की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, वंदे मातरम, जय हिंद।